नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 51 का। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोधगया वेयर, इसका बी हो जाएगा गौतम बुद्ध रिसीव्ड इनलाइटमेंट, तो गया में ही इनलाइटमेंट हुआ था। द बोधि वृक्ष इन बोधगया बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ इट्स फैमिली, तो ये फैक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ, बीपीएससी में आया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, इसको फल्गु रिवर भी कह सकते हैं, तो ये बोधगया। द टीचिंग ऑफ बुद्धा इज रिलेटेड टू प्यूरिटी एंड होलीनेस ऑफ कंडक्ट, हु अमंग द फ्लोइंग वॉन्टेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघा इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा, जो उनका कजन था देवदत्त। हुम ऑफ द फ्लोइंग डिड गौतम बुद्धा नॉमिनेट फॉर द लीडरशिप ऑफ बुद्धा संघ आफ्टर हिज डेथ, तो उन्होंने किसी को इसके बारे में नहीं कहा था, ऑफ दिस हो जाएगा। आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, कहाँ पहला कहाँ हुआ था, राजगृह में। द कॉन्सेप्ट ऑफ एट फोल्ड अष्टांग मार्ग किसने दिया था, किसके बारे में था, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के बारे में। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा, तो ही बिलीव्स इन कर्मा, ही बिलीव्स इन रीबर्थ, तब जातक स्टोरी था। अटेनिंग निर्वाणा इनलाइटमेंट, ओके, बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, नहीं है ये नहीं होगा, वो भगवान के पावर में बिलीव नहीं करते, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। द एंट्री ऑफ वुमेन एज ए भिक्षुनी इन टू द बुद्धिस्ट संघा वाज अलाउड बाई द गौतम, कहाँ पर किया गया था, वैशाली में। क्रिप्टो बुद्धिस्ट किसको बोलते थे, शंकराचार्य को। वाट इज त्रिपिटका, तो त्रिपिटका क्या था, कौन कौन सा था, शुद्ध पिटका, विनय पिटका उसका, उसके बाद अभी धम पिटका, तो इसमें क्या था, टीचिंग सेइंग, इसमें कंडक्ट मोनेस्ट्री में कैसे रहना है रूल, और इसमें क्या था, फिलोसोफी। ये चीज़ को याद रखेंगे तो कोई भी बन जाएगा। कलेक्शन ऑफ द टीचिंग ऑफ बुद्धा, त्रिपिटका आर सेक्रेट बुक्स ऑफ बुद्धिस्ट। त्रिपिटका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन, द बुद्धिज्म। त्रिपिटका इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग, देखिए कितनी बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स द रूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ, तो कंडक्ट और मोनेस्टी और रूल किस में था, विनय पिटका में। सुत पिटका में क्या था, टीचिंग और उनका सेइंग प्रवचन जो था, और अभिधम में अभिधम्म फिलोसोफी था। विच ऑफ द फ्लोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर कंटेंस बुद्धिस्ट शर्मन्स ऑन मैटर ऑफ, देखिए इथिक्स एंड डॉक्ट्रिन, इसका मतलब फिलोसफी, किसमें था ये, अभिधम। यमका भी किसमें था, अभिधम। अब इसको पढ़ते हैं, इन एशियन इंडियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ए सेरेमनी कॉल्ड पावाराना, पावाराना इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता था, जो भी मंक्स थे अगर उन्होंने कुछ क्राइम किया, ऑफेंस किया है, तो उसका कन्फेस करते थे मोनेस्ट्री में रहकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है इसका ये। अशोकरम मोनेस्ट्री कहाँ था, तो पाटलिपुत्र में। वेयर इज द हाइएस्ट वर्ल्ड विश्व शांति स्तूप, कहाँ पर है बिहार में, तो ये राजगीर में। द जायंट बुद्धा स्टैचू 80 फीट का बोध गया, कहाँ पर, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, जापानीज द्वारा।
वेयर द वर्ड स्तूपा हैज़ बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। द फर्स्ट टाइम लोग पढ़े थे जब हर ये पढ़े थे वैदिक कल्चर, तब स्तूपा फर्स्ट बार ऋग्वेद में यूज हुआ था। स्तूपा साइट विच इज नॉट कनेक्टेड टू द इंसिडेंट ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो सारनाथ तो था ही जहाँ पर सरमंदीय बुद्ध गया, जहाँ कि उन्होंने इलाइटेंड हुए, कुशीनारा में जहाँ पर महापरिनिर्वाण डेथ हुआ, सांची किसी से रिलेटेड नहीं। इट वॉज ऑल्सो एंशियंट नेम ऑफ द वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। तो क्या है ककनम, ए हो जाएगा। विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा। देखिए इसमें डाउट है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट, कितना बुद्ध जी ने में लिखा हुआ है। हु एडवोकेटेड नियो बुद्धिज्म, तो कौन फॉलो किया था इसको, बी आर अम्बेडकर। हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया, तो गौतम बुद्ध को ही कहते। हु अमंग द फ्लोइंग इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया, लॉर्ड बुद्धा। With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the Paramitas? The Paramitas का क्या था? Perfection whose attainment led to Bodhisattva। तो महायान से ये related था। महायान में क्या करते थे? खुद भी enlightened होते थे, दूसरों को भी करवाते थे, लेकिन पहले दूसरों को enlightened करवाने के लिए वो लोग ज़्यादा तत्पर रहते थे। सर एडविन आर्नोल्ड, उन्होंने जो बुक लिखा द लाइट ऑफ एशिया, किस पे बेस्ड है? ललित विस्तार। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनायाना और महायाना में क्या था डिफरेंस, जो हम लोग डिफरेंस पढ़े थे हीनायाना महायाना, ठीक है, ग्रेटर व्हीकल लेसर व्हीकल। तो ये क्या करते, महायाना क्या करते थे, ये हीनायाना मनुष्य की तरह ही ट्रीट करते थे, ये लोग गॉड की तरह ट्रीट करते थे गौतम बुद्ध को। तो देखिए वर्शिप ऑफ गॉड्स एंड गोडेस, बाकी चीज़ नहीं होगा, कास्ट फ्री सोसाइटी मेन डिफरेंस है। गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड, किसके पीरियड में, तो कनिष्क का, कुशना के रूलर थे जो कुशना रूलर, जिसमें कि हीनायान दो सेक्ट में बट गया, हीनायाना महायाना। तो महायाना में ही गॉड की तरफ बुद्धा को देखा जाना था। द फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इन इंडिया वे डेवलप, तो पहला ह्यूमन स्टैचू किसका किया गया, तो बुद्धा का है। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड ऑफ विच स्टाइल, तो गंधारा और मथुरा दोनों स्टाइल, तो इस दो हो जाएगा तो ई हो जाएगा, इसमें पूछा था 66 बीपीएससी में प्री। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लेड द फाउंडेशन ऑफ आइडल वर्शिपिंग कंट्री, तो बुद्धिज्म जी ने। द नेम ऑफ द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गंधारा इमेज ऑफ द सारनाथ फर्स, ये धर्म चक्र से रिलेटेड। द स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा कहाँ पे, खड़े हुए बुद्धा जो है कहाँ पे, कृष्णा पीरियड में। लॉर्ड बुद्धा इमेज इज समटाइम्स शोन विद द हैंड जेस्टर भूमि स्पर्श मुद्रा, तो बताया था कि भूमि स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें क्या था, जब इलाइटेंड हुए थे तो किसको विटनेस बनाए थे, अर्थ को, पृथ्वी को, कि उसने ने मेरा इलाइटमेंट देखा कि हाँ मैं सही में इलाइटमेंट हुआ। तो यही हो, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ टू विटनेस इज प्योरिटी एंड चेस्टिटी टेम्पटेशन ऑफ महाराज। महाराज कौन था, राक्षस था, उनको डराने की कोशिश कर रहा था। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू, तो किस पीरियड से बिलोंग था, गुप्ता पीरियड से। अब देखिए फैक्ट है, तो परिवर्जन का किसे था, रनशियंट एंड वंडरर, सही है। श्रमणा किसे, प्रीस्ट विथ हाई स्टेटस, नहीं है, नहीं था। उपासका किसे था, ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, ये सही है। तो 1 और 3, सारनाथ बुद्धा इमेज भूमि स्पर्श किसे, गुप्ता पीरियड से रिलेटेड था। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल रिपब्लिक, सही है।
लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कुशीनगर, ये भी सही है, लेकिन रिपब्लिक था मल इसीलिए इनका वहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ, ये सही नहीं है। तो इसका रीजनिंग एक्सप्लेनेशन रिलेटेड नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो ये जो बहुत ट्रू है, लेकिन आर यू नो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, कि मल रिपब्लिक था, कैपिटल था, ठीक है, कुशीनगर का कैपिटल था, इसीलिए हुआ यहाँ पर डेथ, ये जरूरी नहीं। अब देखिए करेक्टली मैच कौन, लोथल एंशियंट लोकेट सही है, सारनाथ में फर्स्ट शर्मन हुआ था, ठीक है, लैंड कैपिटल ऑफ अशोक राजगीर ये नहीं है, नालंदा ग्रेट लर्निंग ये सही है। तो 1, 2, 4, C। इन विच महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्वा अवलोकस्तेश्वरा वाज नोन एज, तो किसमें टॉर्च बियरर बोलते थे ना, तो पद्मा पानी। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग, तो स्थावीरादीन बिलोंग टू महायाना बुद्धिज्म, नहीं महायाना से नहीं, ये किससे था, हीनायाना से, ये गलत हो गया। लोकोत्तरावादीन सेक्ट वाज ऑफ सूट ऑफ दो महासंघिका सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, सही है। रेटिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाई महासंघिका फोस्टर द महायाना बुद्धिज्म, ये भी सही है, तो बी हो जाए। कंसीडर द फॉलोइंग, डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा यानी कि बुद्ध को गॉड की तरह बना दिया गया, ट्रीडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्वा, तो किससे रिलेटेड था, इसमें महायाना से, इमेज वर्शिप भी था, तीनों सही है, तो तीनों सही है। विथ रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्वा इज सेंट्रल टू द बोधिसत्वा, महायाना से था रिलेटेड, तो ये गलती हो गया। बोधिसत्वा इज अ कंपैशनेट वन वो इज वेट टू इनलाइटमेंट, ये भी सही है। बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज सेल्वेशन टू हेल्प सेंटियंट बीडिंग बींग्स ऑन देयर पार्ट टू, ये भी सही है, तो बी हो जाएगा इसका। द लार्जेस्ट मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चत्या होल ऑफ फिनेफेज, तो कार्ले से रिलेटेड है ये। विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैड बीन सेंट टू चाइना, तो किसको, नागार्जुन को। द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइट किसने दिया था, नागार्जुन ने। टू विच बुद्धिस्ट स्कूल नागार्जुन बिलोंग, किस बुद्धिस्ट स्कूल से थे ये, तो माध्यमिका, सी हो जाएगा। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कहाँ था, विक्रमशिला बिहार। विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू एज द एक्सपेंस ऑफ बुद्धिज्म के, कौन खिलाफ थी, तो खिलाफ यही थे पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है, बुद्धिस्ट के खिलाफ वर्क किए थे, बाकी सब ने तो किया ही था, तो क्या पूछा, डिड नॉट पूछ रहा है, तो इन्होंने तो किया था, गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट उदंतपुरी, तो कहाँ है, बिहार में। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो ये गुजरात में। नालंदा यूनिवर्सिटी कौन किया था, तो गुप्ता पीरियड में, वो भी किसने किया था, कुमार गुप्ता फर्स्ट। देखिए हु वाज द फाउंडर नालंदा यूनिवर्सिटी, देखिए ए बी कुमार गुप्ता, कुमार गुप्ता हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन इसका यहीं आ गया है, कोई बात। वाई वाज द नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस, किसके लिए फेमस था, तो बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी। रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सौत्रांतिका एंड शमत्या वेर द सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का नहीं हो जाए, क्या हो जाएगा, बुद्धिज्म, ये गलत हो गया। सर्वस्तीवाद इन हेल्ड देट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फिनोमेना वेयर नॉट ओनली होल मोमेंट्री बट द एग्जिस्टेड फॉर एवर इन लेटेंट फॉर्म, टू करेक्ट हो जाएगा। आउट ऑफ द टू स्टूडेंट फर्स्ट इज असर्शन, ठीक है, तो टिल द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी नालंदा महावीरा लॉस इज ग्लोरी, ये सही है। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महावीर, महावीर ठीक है, उसके बाद किस में सीज्ड हो गया था महावीरा के लिए, ये ए हो जाएगा। नौ नालंदा महावीर फेमस किसके लिए था, पाली रिसर्च सेंटर के लिए, इस लैंग्वेज के रिसर्च के लिए। विच ऑफ द फ्लोइंग वी आर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दोनों में कॉमन कौन था, बुद्धिज्म जैनिज्म,
तो दोनों इंडिफरेंस थे अथॉरिटी ऑफ वेदास को, डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी रिचुअल्स के खिलाफ थे और अहिंसा के पक्ष में थे वो लोग तीनों, लेकिन एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्टीज पेनांस एंड तप और जो भी होता था कि एक्सट्रीम पे जीना चाहिए, ये जैनिज्म का था। और मध्यम मार्ग किसका? बुद्धिज्म का, कि ज़्यादा ना एक्सट्रीम पर नहीं जीना। तो यही एक टू थ्री सही है, एक गलत हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विच वी आर कॉमन टू बोथ, दोनों में कॉमन कौन सा था? एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट पेनांस, नहीं गलत हो गया। इंडिफरेंस, हाँ वेदा के खिलाफ थे ये लोग, और वेदा के खिलाफ क्या मतलब, वेदा पर इन्होंने ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं, ना इसके पक्ष में रहे ना खिलाफ ज़्यादा किए कुछ। डिनाइल ऑफ इफिशेंसी ऑफ रिचुअल, यस। तो टू एंड थ्री, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉमन, दोनों में कॉमन कौन? देखे आप संथारा नाम सुनना, जो प्रैक्टिस होता है किसमें? जैनिज्म में, जिसमें कि स्वयं समाधि लेने का है संथारा, लेकिन ऐसा कुछ बुद्धिज्म में नहीं है। बाकी अहिंसा दोनों फोकस करते थे, इंडिफरेंस टू वेदा, वेदा पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, और रिजेक्शन और रिचुअल्स जो कर्म उठान उसके खिलाफ थे, लेकिन सेल्फ मोटिफिकेशन जैनिज्म में था। बुद्धिज्म क्या कहते हैं? मध्यम मार्ग, मिडिल पथ, एक्सट्रीमिस्ट पर चलना ही नहीं, मध्यम मार्ग, मैंने बैलेंस करके चला, लाइफ में ज़्यादा एक्सट्रीम्स में नहीं चलना। अब देखिए, बुद्धा ने चार नोबल ट्रुथ दिए थे, देर इज सफरिंग, इसको सबसे पहले क्या होगा कि दुख है तो ए, तो दुख का कारण भी है, देर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, डी, उसके बाद कम हो सकता है, देर इज सीजन ऑफ सफरिंग, ए डी बी, उसके बाद सी बजेगा, उसका पाथ भी है जिसको कि अष्टांग मार्ग कहते थे, एट फोल्ड पाथ। तो ए डी बी सी किसमें है? पहले सफरिंग होगा, देर इज कॉज ऑफ ए डी, उसके बाद देर इज सीजन ऑफ सफरिंग बी सी, तो ए। बोथ जैनिज्म में बुद्धिज्म किसमें बिलीव करते थे? तो फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, वेयर करेक्ट, हाँ कर्मा में बिलीव करते हैं और सोल के ट्रांसमाइग्रेशन में भी, ठीक सही है। सेजुएशन कुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर, नहीं डेथ के बाद ही, नहीं ऐसा नहीं, बोथ मैन एंड वुमेन, नहीं पहले तो खिलाफ थे ये लोग वुमेन के, वुमेन सेलिब्रेशन फिर बाद में हुआ, लेकिन ऐसा परफेक्ट नहीं है, मिडिल कोर्स ऑफ लाइफ ही, तो बुद्धिज्म का सिर्फ था, जैनिज्म का नहीं, ये भी गलत हो जाए। तो फर्स्ट ये होगा जहाँ पर दोनों एग्री होते हैं। 90, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबर्थ, नहीं ये लोग तो रिबर्थ में भरोसा करते थे, तो गलत हो गया, ए अनट्रू, सोल इज मोटल, हाँ कि सोल भी मोटल है ये, तो ए अनट्रू आर इज ट्रू। विच ऑफ द फ्लोइंग या करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म के खिलाफ कौन था? इट डिड नॉट रिजेक्ट कास्ट एंड क्लास, इट चैलेंज हाइएस्ट सोशल रैंक, ये भी सही है, इट पॉइंटेड सर्टेन कास्ट इज लोअर, हाँ ये भी सही है, तो कौन सा हो जाएगा? सी, 1, 2, 3। अनाथमवादा नो सेल्फ कौन दिया था? तो बुद्धिज्म ने। द रीजन इंक्लूडेड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म क्या कारण था? तो सिंपल लैंग रिलीजन था, स्पेशल अपील दलित को ज़्यादा अपील करता था, मिशनरी वाला फैलाने वाला जो धर्म का प्रचार था वो था रीजनल लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज में, ठीक है, और साउंडनेस वैदिक स्पिरिट, नहीं वैदिक से कोई रिलेशन ही नहीं था। तो 1, 2, 3, 4। हु हैज प्रोपाउंडेड डॉक्ट्रिन ऑफ मोमेंट्रिच, क्षणभर की जिंदगी वाले कॉन्सेप्ट किसने? मोमेंटेरीनेस किसने किया था, जो कि ट्रांजिएंट के बारे में बोला था सब बुद्धा ने। अब देखिए इसमें, व्हाई डिड बुद्धिज्म स्टार्ट डिक्लाइनिंग इन इंडिया, कारण क्या था मिडिलिबल टाइम्स में? तो इसका कारण था बुद्धा वाज बाई द टाइम कंसिडर एज वन ऑफ द इनकारनेशन, हाँ विष्णु का इनकारनेशन माने जाने लगा उस सम टाइम तक, अब बिकेम द पार्ट ऑफ वैष्णविज्म, ये सही है। द इन्वेडिंग ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया टिल द टाइम लास्ट किंग एडोप्टेड हिंदुइज्म एंड प्रोसिक्यूटेड बुद्धिस्ट, नहीं ऐसा नहीं था। द किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वाज स्ट्रांगली अपने, कुमार गुप्ता ने तो बनाया था नालंदा,
टू अगेंस्ट कैसे हो जाएंगे, तो कौन सा हो जाएगा सिर्फ ए। कंसिडर द फ्लोइंग इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य बिहार में। तो चैत्य क्या होता था? बिहार, उसी के नाम पे बिहार पड़ा। तो बिहार में क्या रहता था? मोनेस्ट्री, जहाँ पर ठहरते थे। और इसमें क्या होता था? वर्शिप प्रेयर होता था स्टेइंग के लिए। तो प्लेस ऑफ वर्शिप बिहार, क्या ड्वेलिंग रहने के लिए भी। लेकिन फिर वही क्वेश्चन, तो चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप बिहार इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क्स। द अर्ली चैत्य गृह बिहार ऑफ गुंडीपल्ली इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आर रॉक कट। ठीक है, चैत्य विहार ऑफ ईस्टर्न डेक्कन आर यूजुअली रॉक कट। नहीं, ऐसा नहीं, तो एक करेक्ट हो जाएगा। विच फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज प्रोमिनेंट ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड। में कौन सा बुद्धिज्म का फॉर्म फेमस था? तो वज्रयान। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु एमंग द फ्लोइंग इज फ्यूचर बुद्धा, किसको? मैत्रेयी को कहते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? तो अजंता केव्स लाई इन द गोर्ज ऑफ वगोरा रिवर, ये सही है। सांची स्तूप लाई इन द गोर्ज चंबल, नहीं। पांडुलेना केव्स लाई इन द गोर्ज ऑफ नर्मदा, नहीं। अमरावती स्तूप लाई इन द गोर्ज ऑफ गोदावरी रिवर, नहीं। तो फैक्ट है ये, बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे।